ऐसा क्या है मिशन इम्पॉसिबल में जो उसे बाकी मूवी से अलग बनाता है, और ऐसी क्या चीजें हैं जो मिशन इम्पॉसिबल से हमारे फिल्म इंडस्ट्री को सीखना चाहिए, और क्या सच में मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज हमारी इंडस्ट्री में बनी है या नहीं बनी है, कोई एक्टर है जो उस लेवल का काम कर सकता है, उस लेवल का स्टंट कर सकता है, उन सब के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी स्टैट्स के बारे में बात कर रहा हूं या जो भी स्टंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो सारी चीजें मैं पैरामाउंट पिक्चर में रिलीज की बिहाइंड द सीन वीडियो में से बात कर रहा हूं, और थोड़ा बहुत मेरे इंटरनेट के रिसर्चेस है। तो तुम में से किसी को ये लगे कि भाई ये चीज तू ऐसा नहीं ऐसा होगा वैसा नहीं वैसा होगा, तो भाड़ में जाओ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लो। सॉरी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो मेजर एक्शन सीन्स के बारे में, जिसमें से एक है वो ट्रेन वाला और दूसरा है वो क्लिफ वाला। स्टार्ट करते हैं ट्रेन वाले सीन से। तो उसको लेके मैं पहले तुम लोग को एक सॉरी बोलना चाहूंगा कि जब मैं रिव्यू किया था इस मूवी का, तो तब मैं बोला था कि ट्रेन के ऊपर जो फाइट सीन है टॉम क्रूज का, वो थोड़ा सा VFX गड़बड़ लग रहा है। बट बाद में जब मैं बिहाइंड द सीन देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई उसके लिए वो लोग एक्चुअल में ट्रेन बनाए हैं। बिहाइंड द सीन वाले वीडियो के स्टार्टिंग में डायरेक्टर का हम लोग को एक लाइन सुनाई देता है, जहां पर वो बोलते हैं कि हम लोग ये मूवी एज अ मूवी नहीं बना रहे हैं, एज एन एडवेंचर बना रहे हैं। तो फिर थिएटर में क्यों रिलीज किया? क्योंकि उनको पैसा कमाना था। फिर भी इस मूवी को बहुत ज्यादा क्रिएटिवली बनाया गया, क्योंकि एक ट्रेन को हम लोगों को अलग से दिखाया गया, पूरा ट्रेन को बिल्ड किया गया, जिसका रीजन वो लोग बताते हैं कि ट्रेन उनको अवेलेबल नहीं हो रहा था, और तुम अगर कहीं पर ट्रेन मांगने जाओगे और ये बोलोगे कि हम उसको क्लिफ से गिराने वाले हैं नीचे, तो ट्रेन तुमको कोई देगा भी नहीं। इसीलिए वो लोग खुद से ट्रेन क्रिएट किए, और वहां पर हम लोगों को बिहाइंड द सीन में पूरा दिखाते हैं। ट्रेन के ऊपर वाला फाइट सीन वॉज अमेजिंग, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो ट्रेन चल रहा था। उस सीन में हम लोग डिफरेंट कैमरास के प्लेसमेंट देख सकते हैं, और अलग से वो जो फाइट सीन था ट्रेन के ऊपर वाला, उसका भी हम लोगों को थोड़ा सा कोशिश किया बिहाइंड द सीन दिखाने का, लेकिन उसके पीछे मुझे कुछ प्रॉब्लम लगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बोलूंगा कि वो बिहाइंड द सीन देखने के बाद ना मेरे को ये समझ आया कि डायरेक्टर का विजन क्या है, क्योंकि जब हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और बिहाइंड द सीन वाले वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि डायरेक्टर किस पर्सपेक्टिव में शूट करने वाला है। एज अ थर्ड पर्सन जब हम लोग उस सीन को देखते हैं, तो समझ में आता है कि एक फाइट सीन को शूट करने के लिए कितना कॉम्प्लेक्सिटी होता है उन लोगों को। उस सीन में मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम था, जिसके बारे में अभी तुम लोगों को बोला था, वो है कि 60 किलोमीटर पर आर के स्पीड में अगर ट्रेन चल रहा है और उसके ऊपर अगर टॉम क्रूज फाइट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वायर वर्क लगा होगा। क्यों? क्योंकि वो देख के भी लग नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा ग्रिपेबल है उसके ऊपर का जो रूफ है। बट स्टिल हम लोगों को उस बिहाइंड द सीन में कहीं पर भी, तुम लोग जाके देख सकते हो, वायर वर्क दिखाई नहीं दिया। मतलब वो लोग मूवी के क्लिप्स को हम लोगों को दिखा रहे थे, या फिर अगर रॉ क्लिप भी था तो उसमें से वायर वर्क को हटा दिए थे, जो मुझे ऐसा लगा ना कि हम लोग सब इस बात को जानते हैं कि भाई 60 किलोमीटर पर आर के स्पीड में अगर कोई ट्रेन चलेगी, तो टॉम क्रूज का एज 60 ईयर्स है, और बहुत अच्छा स्टंट करते हैं वो, लेकिन अगर कोई 18-20 साल का बंदा भी वहाँ पे खड़ा करा देंगे तो भी वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा एग्जीक्यूट उतना अच्छे से, जिस टाइप का वो लोग दिखा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम बिहाइंड द सीन डाल रहे हो, तो थोड़ा रॉ क्लिप्स को ज़्यादा यूज़ करो। वायर वर्क दिखाने से मैं कोई एकदम उदास नहीं हो जाता कि ये कैसे कर दिए तुम लोग, लेकिन फिर भी कैमरामैन का वायर वर्क साफ साफ दिख रहा है, और सपोर्टिंग स्टाफ के वायर वर्क साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जो लोग पूरे सीन में उनके वायर वर्क नहीं दिख रहा, और ये देख के मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि बिहाइंड द सीन बोल के डाले हो तो इतना तो तुम दिखा सकते थे, बट उसको भी एडिट कर दिए ये लोग। क्लिफ वाला जो पूरा स्टंट है वो नॉर्वे में शूट हुआ है, और उस स्टंट के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं टॉम क्रूज को फ्लेक्स कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टंट के लिए वो 500 बार स्काई डाइविंग किए हैं और 13,000 बार बाइक जंप प्रैक्टिस किए हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। दिन में 5 बार वो बंदा स्काई डाइविंग करता था, जस्ट फॉर वन स्टंट वो 6 महीने साल भर प्रैक्टिस किए प्रॉपरली कि स्काई डाइव कैसे करना है, बाइक स्टंट कैसे करना है, और फिर वो दोनों को एक साथ कैसे करना है। और बिहाइंड द सीन वाले वीडियो में हम लोग को एक चीज और अच्छे से दिख रहा था, ये लोग पहले से हर चीज को प्लान कर रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी रहनी चाहिए, कितने हाइट से गिरेगा तो कितने दूर तक जाएगा, ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट करके 3-4 प्लान्स बना के उसके बाद में टॉम क्रूज से करवा रहे थे। क्यों? कि इतना बड़ा अगर स्टार हो भाई, तो तुम ऐसे जबरदस्ती का उसको बोल नहीं दोगे कि भाई क्लिफ से कूद जा। जिनको अभी भी वो चीज समझ में नहीं आया, उनको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से ऐसे एग्जांपल समझाऊंगा कि तुम लोग एक बार में समझ जाओगे। जो लोग धमाल मूवी देखे हो उनको पता होगा कि ऐसा ही एक सीन था धमाल मूवी में, जहां पे वो पत्थर को फेंक के डिसाइड करते कि कितना स्पीड रहना चाहिए और कितने हाइट से रहना चाहिए कि गाड़ी कितना दूर गिरेगा। तो धमाल वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, या फिर बोलो तो मिशन इम्पॉसिबल कॉपी कर रहा है हमारे धमाल मूवी को। इस पूरे स्टंट में कितने एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व है और उनका कितना ज्यादा डायरेक्शन है, ये भी हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही हम लोगों को वो रैंप वाला सीन दिखाई देता है, जिसको वो लोग खुद से क्रिएट किए, जिसको आगे जाके VFX से कन्वर्ट करके एज अ क्लिफ दिखाए वो लोग। और उसी सीन को जब और ज्यादा अच्छे से हम लोग देखे, तो हम लोग को समझा कि बैकग्राउंड में जो माउंटेन्स हम लोग को दिख रहे थे या क्लाउड दिख रहे थे, वो सारी VFX थी। क्यों? क्योंकि इस मूवी ने सोचा कि हम लोग स्टंट को प्रैक्टिकली करेंगे और फिर बाद में VFX से इनहेंस करेंगे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
तुम लोगों को पता है कि मैं बोलता हूँ कि मूवी शूट करने तुम बाहर जाओ और प्रैक्टिकल स्टंट्स करो, बाहर जाओ और उसके बाद में VFX का थोड़ा इफेक्ट डाल दो, चलेगा, क्योंकि VFX यूज होना चाहिए इनहेंस करने के लिए। बट nowadays पीपल आर यूजिंग VFX टू शूट एन एंटायर मूवी। भाई घर के अंदर शूट कर लो और बाद में फिर VFX डाल के उसे कुछ और दिखा दो। उसके जगह पे डायरेक्टर ने ये रास्ता चुना कि भाई मैं मूवी शूट करूंगा रियल सीन्स के साथ और उसके बाद में मैं VFX का एफर्ट डालूंगा। वो सीन में हम लोगों को साफ साफ दिख रहा था कि VFX थोड़ा बहुत है लेकिन चलेगा, क्योंकि हम लोगों को ना वहाँ की गर्मी समझ में आ रही थी कि लोग कितना प्रेशर में है, क्योंकि टॉम क्रूज कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है और डायरेक्टर के बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए इस मूवी में। और उसी सीन के एंडिंग में हम लोग कुछ समय के लिए डायरेक्टर की फटते हुए भी देख लेते हैं, जहाँ पर टॉम क्रूज ऐसे क्लिफ से जंप कर देता है और पैराशूट खुल जाता है लेकिन डायरेक्टर जहाँ पे बैठे वहाँ से उनको दिखता नहीं है। तो यू वॉज लाइक कि ऐसा करके कई लोगों को लग रहा होगा वो एक्टिंग करे, लेकिन तुम सोच के देखो तुम्हारा 100-150 मिलियन अगर किसी मूवी में हो और अलग से 6-7 महीने से तुम प्रैक्टिस करो, जो लीड एक्टर है वही कुछ मिस फॉर्च्यून में चले जाए तो फिर क्या होगा मूवी के साथ। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, और जब वो एंडिंग में वो सीन खत्म हो तो मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई 1-15 मिनट के स्टंट के लिए कौन बंदा इतने महीने खपता है, और जवाब है टॉम क्रूज। और तुम लोगों को ये सवाल आता होगा जिसके बारे में स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि क्या हमारे तरफ ऐसी फिल्में नहीं बन सकती, क्या हमारे तरफ इतने एफर्ट लगाने वाले एक्टर्स नहीं आ सकते, तो आ चुके हैं। अभी जो चीज़ मैं तुम लोगों को बोलने वाला हूँ उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को लेके वो ये है कि हम लोग थोड़े से वेस्टर्न मूवीज़ को लेके या अमेरिकन मूवीज़ को लेके थोड़े ज़्यादा बायस्ड रहते हैं। हमारे मन में ऐसा रहता ना कि भाई वहाँ के हीरोज ये कर रहे हैं, यहाँ के हीरोज ये कर रहे हैं, हमारे हीरोज नहीं कर रहे, बट हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमारे कुछ हीरोज ये चीज़ें कर रहे हैं बट स्टिल हम लोग उनकी मूवीज़ नहीं देख रहे हैं। मैं विद्युत जामवाल के बारे में बोल रहा हूँ कि भाई वो बंदा अपने मूवी में एक्शन सीन्स खुद करता है, और बहुत सारे तुम ऐसे पार्कोर वाले उनके वीडियोस देख लोगे जो मूवी के हैं, जो बंदा रियल में किया और इतने ज़्यादा कोई ट्रेनर्स भी आके उनको बैठ के सीन एक्सप्लेन नहीं किया, वो बंदा खुद ही कर लिया उस सीन को। उसके बाद ही मुझे बुरा लगता है कि उनको उस लेवल पे तुम क्रेडिट नहीं दे रहे हो। आज जाके तुम टॉम क्रूज को देख के बोलो कि भाई ये बंदा देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बट स्टिल हमारे पास भी ऐसे एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं बट रिकॉग्निशन नहीं है। अभी जब मैं थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बोला था कि रियल स्टंट करके उसमें VFX से इनहेंस करने के बाद वो सीन बहुत प्यारा लगता है, ये भी एक बॉलीवुड मूवी के साथ हो चुका है जिसका नाम है रावण, जिसमें वो पार्किंग वाला जो पूरा सीन था जिसमें वो लोग कार्स को उड़ाते हैं, वो पूरी सीन वाटर से शूट की गई है कि भाई वाटर का प्रेशर डाल के कार्स को उठाया गया। अभी भी तुम लोग जाके देखोगे ना वो सीन बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है, लेकिन फिर भी उस मूवी को भी उतना सपोर्ट नहीं मिला और फिर इंटरनेट पे आके लोग गाली देते हैं कि हमारी तरफ ऐसी मूवीज़ नहीं बनती। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार तुम झांक के देखो, जरूरी नहीं हर बार अगर तुमको सुशी खाना है तो तुम रेस्टोरेंट जाओ, कुछ बार घर में बैठ के भी बना के खा सकते हो तुम, बस तुम्हारा सोचने का नजरिया क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो मेरा एंड मैसेज यही है भाई तुम लोगों के लिए कि मैं किसी को हेट देना नहीं चाहता, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि थोड़े इंडियन एक्टर्स को भी सपोर्ट करो, वो लोग जो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि विद्युत जामवाल की जब मैं मूवीज़ के कलेक्शन को देखता हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ इस फील्ड में, तो उनको उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, वो बंदा खुद अपनी मूवीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, समझ रहे हो। तो कल को क्या पता अगर हम उनको सपोर्ट करें तो उनको भी मिशन इम्पॉसिबल लेवल की मूवी मिले इंडिया में, जिसमें वो बंदा खुद हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है या फिर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, जिसको देख के हम लोग भी कूल तरीके से बोल सके कि भाई हमारे भी एक्टर्स कम नहीं है। तो जैसे तुम लोग विद्युत जामवाल को सपोर्ट करोगे वैसे ही भाई को भी सपोर्ट कर दो, क्यों, क्योंकि अभी भी मैं 400 टच नहीं किया हूं, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाय। नीली चीज क्या रख के विराट कोहली जब से बनाया गाना फेमस हो गया, वो क्या करेगा, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर लैग कर रहा है इसलिए कोई हैक नहीं कर रहा। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में।